कौन सा मारो? आप वहाँ पे काम क्यों गए थे मम्मी? वहाँ पे किस लिए गए थे? यहाँ रोड पे ढूंढ रही थी किधर है गड़िया, लेके चले गए। आपको छोड़ के चले जाएंगे ना? कौन सा गंदा बता रहे हो? तो दोस्तों अब हम लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ जाने घूमने? ललित संजय गांधी वही है भाई, म्यूजिकल पार्क यही बोलते हैं। पटना जू जा रहे हैं। चिड़ियाघर मतलब हाथी दिखाएंगे, घोड़ा दिखाएंगे। 7 किलोमीटर बहुत ट्रैफिक इतना ट्रैफिक है दोस्तों क्या बताएं। दिल्ली जैसा हाल है इधर भी। तो अभी हम आ गए हैं संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क, बहन भी है, पटना का चिड़ियाघर। रोहमत बाबू हाथी दिखाए ना? हाँ घोड़ा दिखाए। देखा हाथी घोड़ा सब बांध से दिया। ऊँटो बाबरा भी बा, बनमानुस भी बा, बनमानुसो बा। पानी कल मिलेगा? नहीं, घर से खा के आई हो फिर भी आपको कुछ ना कुछ खाना है। ये कुछ ऐसा दिखता है सामने से। ये है टिकट घर यहाँ का। कितने रुपए की टिकट? 30 रुपए का टिकट है बड़ों का, 10 रुपए का बच्चों का। अच्छा यहाँ पे दे रखा है इस साइड में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, टिकट ले ली है, चलते हैं अंदर। तो कोशिश करें आप मंडे के दिन ना आए, क्योंकि मंडे के दिन जू क्लोज रहता है। और अभी पापा ले रहे हैं बोटिंग के टिकट। आपको शायद शाम यहीं से लेनी होती है, तो हम यहीं से ले रहे हैं। बाकी शायद अंदर मिलेगी तो अंदर भी ले सकते हैं आप। तो अभी बोटिंग के टिकट है 2 पर्सन की 80 रुपीज़ की, और 4 पर्सन की 100 रुपये की। तो हम 4 पर्सन के लिए ले रहे हैं क्योंकि हम 4 पर्सन। तो अभी हम आ गए एंट्रेंस पे, और एंट्रेंस में आपको दिखते हैं एक क्या है मम्मी? जिराफ। ये है जिराफ जो आप वहाँ पे बोल रहे थे जिराफ, ये है जिराफ का गर्दन। हाँ लंबी होती है जिसकी गर्दन। चलो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क चलिए। चिड़िया का मम्मी घोंसला है। तो भाई पानी तो ले लिया है, और मेन परेशानी है पानी ढोने वाले की, कि कौन पानी ढोएगा। देखो भैया है, अरे मैं ढो लेता हूँ भाई। तो अभी चलते हैं हम पार्क के अंदर। तो पार्क बोल रहा हूँ, पार्क के अंदर घुसते ही ललित को सुसु लगा था। मम्मी अदब तो नहीं लगा था, भैया और मेरे को लगा। हाँ, बच्चों को पहले सुसु करा के फिर अंदर ले जाए। नहीं तो अंदर जाके करेंगे प्रॉब्लम। अरे मम्मी लगी है मम्मी। तो इसलिए पहले ही यहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर बना हुआ है मैप, एक बार मैप को ध्यान देख लेते हैं कैसा भाई मैप, कहाँ पे कहाँ कहाँ पे जानवर है, चारों तरफ है। मतलब कैसे घूमते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। तभी हम यहाँ पर हैं, यू आर हेयर, जहाँ पे लिखा है यू आर हेयर, हम इस जगह पर हैं अभी। फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। अच्छा हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे कोई जानवर वानवर नहीं पड़ेंगे, ऐसे करके घूम के जाएंगे और बीच बीच में पड़ेंगे, है ना? पहले घूम के जाना होगा, मतलब सीधे सीधे हम लोग जाएंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। याक भी मिलेगा। हाँ याक भी है यहाँ पे, बहुत कुछ है, गैंडा भी है जो उठा उठा कर फेंकता है बच्चों को। बहुत सारे लोग आ जाए हैं क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी अच्छी खासी, और फिर हमने सोचा कि चलते हैं ठंडे मौसम में, आज मज़ा आएगा। और पहले तो बारिश हो रही थी, अभी भी टिप टिप बारिश हो रही है, पर टिप टिप पेड़ों से ऊपर से हो रही है, पेड़ों पे पानी है। तो दोस्तों बहुत दिनों से सुन रहे थे पटना का चिड़ियाघर बहुत ही अच्छा है, तो आज हम भी देखेंगे और आप लोग भी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दिखाते हैं, बच्चों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ बैटरी रिक्शा भी चलती है, रिक्शा जैसी। अभी हम चार्जेस पूछते हैं क्या चार्जेस हैं। ये काउंटर है यहाँ से, ये काउंटर है, पापा पूछ रहे हैं। हाँ, कहाँ से हमको भाई वीडियो कितने चार्जेस हैं यहाँ पे? 300 रुपये चार्ज है चार लोगों का। तो 1 घंटा घुमाएंगे, चाहे आप फुल फैमिली हो चाहे कुछ हो, 300 रुपये लेंगे ना? 300 रुपये लेंगे तो हम तो पूरा फैमिली को लेके आए होते तो ज्यादा बेनिफिट में होते, क्योंकि जगह है यहाँ पर। हाँ। एक पर्सन की और दो चार लोग चल रहे हैं बैटरी रिक्शा से घूमने। स्टार्ट हो गई है यहाँ से,
और ये एक घंटा के लिए हम मतलब हम डेढ़ घंटा लगाएंगे पक्का। कैसे नहीं लगाएगा भैया आप? तो अभी देखिए भूल भुलैया गलिया में आए हैं हम लोगों को भाई जू अच्छा से देख लीजिए मछली। तो अभी यहाँ पे आए हैं हम घड़ियाल और मछली। क्या था भाई मछली? मछली आगे वाला पे घड़ियाल। अच्छा चलिए देखते हैं घड़ियाल मछली वो रहे वो दो बर्ड वहाँ पर है दो घड़ियाल घड़ियाल नहीं घड़ियाल वो रहे गलियाल तीन वो घड़ियाल हाँ मछलियों बड़ी तो यहाँ पे भी तो देखो यहाँ देखो यहाँ दिख नहीं रहा है पर देख रहे हो लेकिन मछली को खा नहीं रहा है घड़ियाल भूख लगी दो तीन ज्यादा है पा देखो एक, नहीं नहीं यहाँ पर भी तीन वहाँ पर सूंड निकल ले सूंड निकाला है सूंड निकाला है अभी आगे चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप पूरा दिखाते चलेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा भाई मछली घर का टिकट है यहाँ पर। तो ये है फिश एक्वेरियम ₹10 पर पर्सन पकड़ाएगा ही। चलो तो अभी जा रहे हैं फिश एक्वेरियम में। बोले हैं टिकट मास्टर भैया कि मछली नहीं पकड़ना है। मछली आपको मिलेगा ही नहीं वो शीशे के अंदर होगा कैसे पकड़ोगे उसको? कैसी बात करते हो? मिल जाएगा तो फ्राई करके फ्राई। इंटरेस्ट बड़ा ही बढ़िया है। हम ही मछली के मुंह में हम जाएंगे। देख रहे हो कैसा एंट्रेंस है? वाह कितना खूबसूरत है। बड़ी मछली बेल मछली है। बेल नहीं लग रही है तो रोहू ही लग रही है। हाँ बस इसका मुंह बड़ा मोटा है। हाँ देख रहे हो मछली घर थोड़ा धुंधला हो गया है एंट्रेंस है। चलो रुको ये आ गया मछली घर के अंदर हम लोग मछली बनने। यहाँ से स्टार्ट होता फिश यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना एक्वेरियम। पैरट फिश जैन गोरा में बहुत ही क्यूट मछली कितनी खूबसूरत गुलाबी गुलाबी। चलो तुमको तो पालेंगे मुंह खोली थी मतलब बोली होगी चलेंगे आपके साथ। बहुत सुंदर लग रहा है ये आगे गोल्ड फिश सोना जैसे चमक तेरी। वाह कितना सुंदर सुंदर बड़ी सा एलिगेटर गार कौवा मछली। मम्मी की भाषा में बोले तो कौवा मछली। कौवा मछली चोंच लंबा है ना इसलिए कौवा। और यहाँ पर है छोटी मछली मिल्की क्रैब। गोल्ड फिश प्रिंटेड क्राफ्ट।
यहाँ आ गए टॉर्टोइस। जंगल ये आ गई बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी पिक्चर, बहुत छोटी छोटी पिक्चर। हमारी सबसे लिस्ट में सबसे खतरनाक फिश पिराना, पिराना ही है। पिराना है, इसके दांत देख रहे हो, दांत दांत दिखा, दांत तो पिराना है, पिराना। ओलिविनो ऑस्कर फिश, नहीं बताऊंगी बोल रहे, नहीं बताऊंगी। रेनबो शार्क, लाइट कम है पर अच्छी दिख रही है। ये कौन सी है? रेनबो शार्क, गोल्डन। अब आ गई हमारे सामने पिराना एंड कोकोटाइल। ये देखिए इनका साइज, देखिए साइज। हाथ गोल्ड फिश को छोड़ के देखो ना इसके बीच में, फिर आपको पता चलेगा। ब्लैक टाइगर शार्क, एलाफिनो टाइगर शार्क, ये ब्लैक है, और ये सबसे बड़ा है। बहुत सारे यहाँ पे हैं कछुए। ये देखो कितना बड़ी है। ये है पिराना। नाम है पिराना। देख सकते हैं इसका साइज, सबसे बड़ा साइज है। आगे शुभम किंग, और कितना चीज का पंख है। एलाबिनो रेनबो, ब्लैक ऑस्कर, एंजल फिश, एंजल रानी परी। रेड गोल्ड एंड क्लब गोल्ड, गोल्ड फिश है, रेड केप और गेंडा। मजा आया। मैं तो बोल रही हूँ दोस्तों यहाँ पे
बच्चों को लेके आए, इतना मजा आएगा, एक घंटा लगा के जाइएगा। और हम तो किए बैटरी रिक्शा, तो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। और आप लोगों को दिखाएं कैसा लगा ये फीस का जो एक्वेरियम था, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। लग रहा कि घंटों उसको निहारते रहो, उसका ऐसा ऐसा मूवमेंट है मछलियों का। हर मछली का अपना अपना कलर है, अपना अपना चलने का स्टाइल है। एकदम कोई चल रही है, कोई एकदम जल्दी जल्दी चल रही है। तो कैसा लगा ये मछली हाउस, मछली घर, और मछली के मुंह के पास मैं खड़ी हूँ। तो ये पटना का जू है, और जहाँ हम लोग एक्वेरियम देखे हैं, मछली वाला एक्वेरियम में बहुत ही पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।